नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑसी एस्ट्रोलॉजी। मैं नीतू सिंह। दोस्तों, स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को सपने में ये दिखे कि वो बड़ के पेड़ के नीचे बैठा है, यानी वट का जो पेड़ होता है उसके नीचे खुद को बैठा हुआ उसने देखा है, तो ये कैसा सपना माना जाता है? स्वप्न शास्त्र के अनुसार पहली बात तो ये जान लीजिए, जो मैं सपनों की अब वीडियो डालने जा रही हूँ, ऐसे सपने आपको बताने जा रही हूँ जो सपने लिमिटेड लोगों को दिखते हैं, यानी बहुत किस्मत वाले, बहुत ही भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको ऐसे सपने दिखते हैं। तो स्वप्न शास्त्र इस सपने के बारे में ये बताता है कि अगर किसी व्यक्ति ने खुद को बड़ के पेड़ के नीचे बैठा हुआ सपने में देखा है, तो इसका अर्थ होता है कि उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है, उसका टाइम बदलने वाला है। बढ़ मतलब बढ़ना, बढ़ का मतलब ही यही होता है कि बढ़ना। और समझ लीजिए, अगर आपने ऐसा सपना देखा है तो आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है, आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है, आपकी यश कीर्ति फैलने वाली है, समाज में आपकी बातों को सबसे ज़्यादा मान्यता मिलेगी, आप जहाँ बैठेंगे वहाँ आपको सबसे ज़्यादा ऊपर रखा जाएगा, यश कीर्ति लक्ष्मी धन हर चीज़ में बढ़ोतरी होगी। और ऐसे सपने बहुत ही किस्मत वालों को दिखते हैं, ऐसे सपने सबको दिखाई नहीं देते। कहते हैं भगवान की जिस पे बहुत ज़्यादा कृपा होती है उसी को ऐसे सपने दिखते हैं। और ऐसा सपना अगर आपने देखा है तो समझ लीजिए आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम, सारे दुख दर्द सब कुछ ख़त्म होने वाले हैं, सब कुछ आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में सब सही होने वाला है। और अगर आपको ऐसा सपना दिखे तो थोड़ा सा कहते हैं सब्र रखिए, एकदम से कुछ चीज़ें नहीं बदल जाती कि आज आपने सपना देखा तो कल ही चीज़ें बदल जाए। 2 महीने 3 महीने 6 महीने किसी भी सपने को कहते हैं पूरा होने में 6 महीने, कभी कभी 1 महीने भी लग जाता है, कभी कभी 3 महीने भी लग जाता है, क्योंकि जैसे आपके ग्रह होंगे वैसे आपके वो सपने आपके पूरे होंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा सपना दिखे तो खुश हो जाइए, लाइफ आपकी बदलने वाली है, लाइफ आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। जय माता दी।